हाँ, तो अभी हम लोग इंट्रेंसिक पाथवे, एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक दो पाथवे हैं, ठीक है। हमें डर देखते ही हम डर जाते हैं, इतना बड़ा पाथवे होता है वो, इतना कुछ है नहीं उसमें। हमने बस करना है कि इंट्रेंसिक है जो कि ब्लड में कोई ट्रॉमा हुआ है, जो ब्लड से रिलेटेड है, ठीक है। ब्लड ब्लड में कोई ट्रॉमा हुआ है, या फिर जो हमारा कोई, ये जो फैक्टर 12 है, एक फैक्टर 12 होता है क्लॉटिंग फैक्टर, वो जो है वो कॉलेजन से वो हुआ है, उसकी मुलाकात कॉलेजन से हुई है, ठीक है। तो कॉलेजन बेसिकली आता है ना, क्योंकि हम लोग को वो जो क्लॉट है उसको हमने वो स्ट्रेंथन करना है, तो इसीलिए कॉलेजन आ जाता होता है स्टार्टिंग में। तो फिर इसीलिए कॉलेजन या कुछ या ब्लड में प्रॉब्लम है, तो फिर ये इंट्रेंसिक पाथवे जो है वो स्टिमुलेट होता है। सबसे पहले हमारा क्लॉटिंग फैक्टर इंट्रेंसिक पाथवे में होता है 12th। अब यहाँ पे 12, उसके बाद क्या होता है, 12th जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ए जहाँ लिखा है मतलब एक्टिवेटेड है। तो इन सब में कोई भी ट्रॉमा आया, ब्लड ट्रॉमा आया, तो 12 जो है वो 12A बन गया, मतलब कि वो एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब ये जो 12A है, ये आगे किसको एक्टिवेट करेगा, ये 11th को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे 11 एक्टिवेट हो जाएगा। अब 11 एक्टिवेट कुछ नहीं है, बस हमने एक डंडी हटा दिया यहाँ से, 12 से 11 बना दिया, लाइन वाइज ही जाना है, सिवाय यहाँ पे। अब ये डंडी उठाई, यहाँ पे पीछे रख दी। अब क्या किया हमने, 9th को एक्टिवेट करना है, ये 9th को एक्टिवेट कर दिया, जगह जगह पे कैल्शियम भी आ रही है, 9th एक्टिवेट हो गया। अब जो 9th है, जब 9th एक्टिवेट हो गया है, ये जो स्टेप हुआ है कि 9th से 9th एक्टिवेट हो गया, यहाँ पे क्या साथ में हो रहा है कि 8th फैक्टर जो है वो भी एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। और ये जो 8th एक्टिवेट हो रहा है ना, ये थ्रोम्बिन जो है वो उसको आगे इंक्रीज कर रहा है उसकी स्पीड को, ठीक है। थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये 8th को भी एक्टिवेट कर देगा। अब जो है ये 8th एक्टिवेट हो गया, ये क्या करेगा, और 9th भी करेगा, कैल्शियम भी करेगा, ऐसे कितने सारे आएंगे, क्योंकि ये मेन स्टेप है, वो 10th को एक्टिवेट करेगा। जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है ना, उसमें भी लास्ट स्टेप यही होता है कि वो 10th फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, और 10th फैक्टर मेन है जो कि एक्चुअल में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाता है, ठीक है ना। तो 10th एक्टिवेट हो गया, ये बस इतना काम होना था, क्या किया, 8th ने एक्टिवेट किया, 9th एक्टिवेट, और 10th, और कैल्शियम ने 10th को एक्टिवेट कर दिया। 12, 12 से 11, 11 से 9, और ये जो 10th है, यहाँ पे साथ में प्लेटलेट्स, प्लेटलेट का जो फॉस्फोलिपिड वाला पार्ट है ना, वो भी आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली 10, अभी ये जो है 10th फैक्टर एक्टिवेटेड, कैल्शियम, 5th फैक्टर फॉस्फोलिपिड, ये सब मिलकर ये लोग क्या बना देते हैं, इन्हें हम क्या बनाएंगे, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। बस यही मेन है, दोनों पाथवे में यही बनाना है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया। अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ने क्या किया, जो प्रोथ्रोम्बिन था उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया, वो इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम वगैरह, ये हो गया। प्रोथ्रोम्बिन ने क्या किया कि वो थ्रोम्बिन बना दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक्सट्रिंसिक में टिश्यू फैक्टर जो है वो निकलेगा जब टिश्यू में ट्रॉमा आया। अब इसमें क्या हुआ, 7th फैक्टर एक्टिवेट हुआ। इंट्रिंसिक में कौन सा फैक्टर एक्टिवेट हुआ था, सबसे पहले 12th, ठीक है, 12th के बाद 11th, उसके बाद 9th, फिर 10th, तो इसमें 7th एक्टिवेट हुआ, उसने डायरेक्टली 10th को एक्टिवेट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्वियसली कैल्शियम। अब जो 10th एक्टिवेट हो गया, वो वही सेम की 5th फैक्टर और कैल्शियम की प्रेजेंस में वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना देगा, ठीक है। अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को हमें पता ही है कि वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, और फॉस्फोलिपिड्स भी। अब आगे थ्रोम्बिन ने क्या करना है, थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन, तो ये देखो फाइब्रिनोजन क्या किसमें कन्वर्ट हुआ, फाइब्रिन मोनोमर्स में, ये किसमें, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में। और फिर फाइब्रिन मोनोमर पॉलीमर, फिर वो जो सॉल्यूबल था वो इनसॉल्यूबल में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद उसकी क्रॉस लिंकेज हुई जो कि फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फैक्टर 13 की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। इससे हमारा फाइब्रिन जो है वो क्रॉस लिंक्ड वाला बन जाता है, और वो फाइब्रिन जो है प्राइमरी प्लेटलेट प्लग में जाता है, और फिर उसको वो बनाता है सेकेंडरी, और उसको स्टेबलाइज वगैरह करता है। तो ये रिएक्शन थी हमारी कोएगुलेशन होने की। इसके बाद तो हमारी रिट्रैक्शन होके वो प्लेटलेट, रिट्रैक्शन होके वो प्लग जो है बन जाता है, ठीक है। और एक और बात कि जो ये फैक्टर्स हमारे बनते हैं ना, ये विटामिन के डिपेंडेंट होते हैं एंजाइम्स, क्योंकि हमने पढ़ा था कि विटामिन के क्या करता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स हमने बोला था कोएगुलेटिंग फैक्टर, कोएगुलेटिंग एंजाइम है, ये क्या करता है कि ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनकी गामा कार्बोक्सिलेशन कर देता है, वो गामा कार्बोक्सिलेशन उनको एक्टिवेट करने के काम आती है। तो ये भी एक पॉइंट है कि विटामिन के की कमी में भी ये चीज़ों की कमी हो जाती है, ठीक है।
एक और चीज़ जो एट्थ फैक्टर है उसे हम लोग एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि एट्थ फैक्टर की डेफिशिएंसी में एक अबनॉर्मैलिटी हो जाती है जिसे हम बोलते हैं हीमोफीलिया। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि जो एट्थ फैक्टर है वो यहाँ पे इंट्रिंसिक पाथवे में एट्थ फैक्टर इज नेसेसरी, जो कि लास्ट स्टेप ये टेंथ को एक्टिवेट करता है फैक्टर को। सो दिस वॉज ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ हीमोस्टेसिस एंड कोएगुलेशन। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।